कौन सा साथ है जो चोली दामन का साथ है, पंजाबी लफ्ज है। तो अगर अगर ये समझते हैं कि ये हमारा उनका साथ है तो फिर कैसा हो सकता था कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही होती या किसी और के खिलाफ। मैं शोर मचाने वाला आदमी नहीं, मैंने अपने सबूत देने हैं वहां पर, मैंने वहां जवाब दिया है और मैंने सबूतों के साथ खुद पेश हुआ हूं। मुझे कोई डर नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर आप उसको जरा डिटेल में स्टडी करें, कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई नुकसान हुकूमत को नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया कि जिससे कोई साबित करे कि गवर्नमेंट उसमें करप्शन की तो बात ही नहीं है। कोई एक कोई कह भी दे कि भाई इसमें करप्शन है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। वहां पर तो एक उसको अब सियासी बनाया गया और ये चाहते हैं कि परवेज सटक अंदर हो जाए, लेकिन अल्लाह बचाने वाला है और कोई मुझे अंदर नहीं कर सकता। तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप रोज मैं सुनता हूं, मुझे दुख होता है। मैंने तो कभी आपकी बात नहीं की, मैंने तो किसी ऑपोजिशन की बात नहीं की। तो मतलब अगर आप उसको पर्सनल लेना चाहते हैं तो मुझे भी बड़ी पर्सनल बातें करनी आती हैं, लेकिन मैं आदी नहीं हूं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फैसला उनको करने दें, इस बहस में ना जाए। नैब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो जो फैसला करेंगे हम उसको डिफेंड करेंगे, अपनी लीगल टीम लेकर जाएंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे। यही तरीका और कोई तरीका नहीं। राजा परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ।